गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसे आपको पता ही होगा, आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं आ रखा हूँ देहरादून में। तो आज अभी हूँ मैं देहरादून और अभी हो रहा है यहाँ सुबह का टाइम। तो अभी खिल किया है प्यारी सी धूप। तो गाइस, अभी मैं हूँ पता नहीं कहाँ पर हूँ, पर जा रहा हूँ मैं मसूरी। और बैग ही देख सकते हो, बैग तैयार है। फिर हम तैयार हो रखे हैं, कमरे से निकल गए थे तो आधे रास्ते पहुँच जाए, तो आपके बताते रहेंगे पूरे रास्ते में। तो बने रहे आज हमारे साथ ब्लॉग में। तो हमारे साथ जा रहे हैं हमारे बड़े भाई योगा मैर, और चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपको रास्ते में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। वो अपने क्लब में यहीं भी बोल गया था क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठंड से ठंड बहुत भयंकर लग रही है यहाँ पर। तो गाइस भाई, अभी हम कौन सी जगह पर हैं? अभी हम हैं राजपुर रोड पर। तो गाइस, अभी हम हैं राजपुर रोड और चलते हैं पेट्रोल भराने के लिए, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस, अभी पहुंच चुके हैं हम जाखन राजपुर रोड और गाड़ी चला रहे हैं हमारे बड़े भाई। तो हम चलते हैं अभी आगे, और यहाँ ठंड बहुत हो रही है। पहुंच चुके हैं आधे रास्ते पर। आप पीछे देख रहे होंगे, बहुत बड़ा मंदिर है प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ से अभी हम चलेंगे आगे साइड। तो गाइस, अभी हम थोड़ा रुके थे क्योंकि मैंने टोपी टाइप लगाने थे। अब चलते हैं और मिलते हैं आगे पे। लेट्स गो ब्रदर, लेट्स गो। आपका भाई पहुंच चुका है थोड़ा सा आगे पे, और हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों की रानी मसूरी के नज़दीक। और गाइस, आपका भाई, तो गाइस यहाँ से आपको ये सब नज़ारा दिखाते ना गाइस। तो मैं सोचता था ऐसे ही नाम पड़ा होगा मसूरी का कि पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो आज पता चला यार पहाड़ों की रानी का क्या नज़ारा यहाँ से। तो आपका भाई आपको पूरा नज़ारे का आनंद दिलाएगा। तो ब्लॉग में बने रहेगा, सब ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते गाइस। तो मिलिए आगे पे, आपको दिखाते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी के सुंदर सी टनान। तो देखिए गाइस, यह है पहाड़ों की रानी मसूरी के नज़दीक, और हम पहुंचने वाले हैं पहाड़ों की रानी मसूरी में। तो गाइस, एक्साइटमेंट तो हूँ मैं, ये मेरे को जाना है पहाड़ों की रानी मसूरी। और यहाँ से जो सुंदर सा व्यू आ रहा है गाइस, आय हाय। तो योगा मेहर भाई भी तैयार है। तो गाइस, हम डाल देंगे आज योगा मेहर चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जाके उनको सपोर्ट दिखाइए गाइस। ओहो, तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़े से ब्रेक के बाद। और यहाँ से आपका भाई चला रहा है बाइक, और इस रोड पे पहली बार बाइक चलाएगा तो सेफ चलना पड़ेगा। और योगा मेहर भाई, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। तो यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे भट्टा फॉल है, भट्टा फॉल, तो यहाँ पे लिखा है भट्टा फॉल, तो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से ये मसूरी का कुछ अच्छा सा नज़ारा। और गाइस, पहली बार बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप सबसे दिल खोल के बात करने में ना जो मजा है कहीं नहीं है। तो गाइस ये देखो, वाह। और चलते हैं अभी आगे पे। तो यहाँ पे तक लाया था आपका भाई राइडिंग करके, और आगे भी ले जाएगा। तो मिलते हैं आगे पे। गाइस यहाँ पर हमारे धन्नो, और यहाँ देखिए गाइस, देखिए देखिए गौर से देखिए गाइस, ये है हमारी प्यारी सी मसूरी, पहाड़ों की रानी। और यहाँ पे हमारे योगा मेहर भाई एकदम तैयार होता है। तो गाइस चलते हैं, भट्टा फॉल तो यहीं पर है, पता नहीं कहाँ है। तो हम चलते हैं यहाँ से, और जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा हमको यहाँ नीचे। तो गाइस यहाँ नीचे है भट्टा फॉल, तो अभी हमको लेट हो गई, तो चलते हैं। गाइस फाइनली पहुंच गया मैं अभी मसूरी में, और यहाँ से जो नज़ारा है ये सुंदर सा नज़ारा है। और यहाँ पे देखते हैं आप, बापूजी की मूर्ति बनी है, तो बापूजी की आज बापूजी डंडे लेके जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, और यहाँ से जो सुंदर सा नज़ारा है बहुत अच्छा है, और यहाँ बहुत भीड़ भी है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, और क्योंकि आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल आपको मसूरी का नज़ारा है वो दिखाएंगे।